हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निंग हैबिट। सो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे डिफरेंट वेज लेकर आते रहता हूँ अर्निंग से रिलेटेड, जैसे कि टेलर्स इंटरनेशनल हो गया, एपन प्लेटफॉर्म हो गया, वन फार्मा हो गया, टास्क पर्स हो गया। ऐसे प्लेटफॉर्म से जो भी टास्क वन टाइम जॉब्स आते हैं उसके रिलेटेड मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ताकि आप वहाँ पर अप्लाई करके प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो सको और कुछ डिसेंट अमाउंट में अर्न कर सको। सो वैसे ही हम लोग टेलर्स इंटरनेशनल का बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हायरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते रहते हैं। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि अप्लाई भी करूं, ताकि आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सको। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेक श्योर करो कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा इस टाइप के कंटेंट्स को और भी रेगुलरली आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करने। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। यहाँ पे देख सकते हो टेलर्स इंटरनेशनल के मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। एक्चुअली ये वेबसाइट नहीं है, इनका डायरेक्ट जॉब पोर्टल है, जहाँ पे जो भी ओपनिंग्स रहती हैं, जॉब्स एंड गिग्स रहती हैं, वो पोस्ट होती है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वैसे आपको टेलर्स या गूगल में जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे अकाउंट क्रिएट करें। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रीसेंट जॉब्स हैं, ओपनिंग्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेगा ना, अगर आपको कोई सूटेबल लगता है अप्लाई करने के लिए तो कर लेना। लेकिन हम लोग जो प्रोजेक्ट के बारे में देखने वाले हैं वो ये है, सर्च क्यूरी इवेल्यूएटर। इसका पे आउट देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, $4.9, लगभग $5 के आसपास इसका पर आवर है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एरो मार्क पे और सारे डिटेल्स को पढ़ लेते हैं। सर्च क्यूरी इवेल्यूएशन में करना क्या होता है, जो भी हम लोग गूगल पे सर्च क्यूरी, कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं या कोई भी और सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया, ऐसे पे सर्च करते हैं, तो जो भी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसे हमें इवेल्युएट करना है। अगर हाई लेवल में बताऊँ तो यही सर्च क्यूरी इवेल्युएटर होता है। इस पे काम करना है आपको 4 घंटे, दिन के 5 दिन काम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगा। इसका पे मैंने पहले बता दिया। रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट जो है कि बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपका एज 18 साल और उससे एबव होना चाहिए, 4 घंटे आप काम कर सको, आपके पास स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, आप डिटेल ओरिएंटेड एंड एबल टू फोकस ऑन डायरेक्शन, जो भी इनके तरफ से रिक्वायरमेंट को समझने के लिए डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उनको पढ़ के आप अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, और जो भी डायरेक्शंस को इनके तरफ से कहा जाएगा फॉलो करने के लिए उसे आपको फॉलो करने आना चाहिए। आपका इंग्लिश बेसिक होना चाहिए। अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूं। यहां पे कुछ सारे क्वेश्चंस आके उसके मैं आंसर्स कर देता हूं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में शो करता हूं। पे देख सकते हो मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्टली यहाँ पे किए हैं। अगर आपको सेम क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर करो कि आप भी जो आंसर्स मैंने किए हैं उसी को फॉलो करो, वैसे आपके भी चांसेस सिलेक्शंस के बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अप्लाई करने के बाद कुछ रिवर्ट नहीं आता है, लेकिन रिवर्ट आता है, थोड़ा टाइम कभी कभी वेट करना पड़ता है और कभी कभी हम लेट हो जाते हैं अप्लाई करने में, तो जो इनके तरह इनका रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफिल हो जाता है, तो जब नेक्स्ट स्लॉट आता है तो उसमें ये लोग कॉन्टेक्ट करते हैं हमें फिर से। ओके फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।